हरियाणा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 20 जुलाई को चंडीगढ़ में प्रदेश के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों के बारे में सरकार की तरफ से हमें निमंत्रण मिला है। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की जो काफ़ी ज्वलंत और मुख्य समस्याएं हैं, उनमें सर्वप्रथम पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना। आज प्रदेश में लाखों कच्चे कर्मचारी हैं, उनको नियुक्ति तिथि से पक्का करना, रिस्क कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस देना, मेडिकल कैशलेस की सुविधा बिना शर्त देना। हरियाणा राज्य में आज लाखों पद वैकेंट और रिक्त पड़े हैं, उन पर नियमानुसार पक्की भर्ती करना। हरियाणा प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब के समान ओल्ड एज अलाउंस देना। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन का जनवरी 2016 से दे मकान किराया भत्ता लागू करना। गत अक्टूबर 2018 में राज्य परिवहन की लंबी हड़ताल के दौरान परिवहन विभाग के अलावा जो दूसरे सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, हमारे कर्मचारी संगठन जो उस हड़ताल में शामिल थे, उनको ऊपर किए गई उत्पीड़न की कार्रवाई एवं एस्मा जैसी नीतियों को रद्द करते हुए पुनः पहली जैसी स्थिति बहाल करना। प्रदेश की आबादी के मद्देनज़र नए जन आवश्यकता अनुसार नए पदों का सृजन करना और निजीकरण और ठेकाकरण की नीति पर पूर्ण विराम लगाना हमारे संगठन का भरपूर प्रयास रहेगा। हमारे संगठन की इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ और राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ काफ़ी दौर की वार्ता हुई, यहाँ तक कि सैद्धांतिक रूप से सहमति बनने के बाद और मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करने के बाद भी प्रदेश के कर्मचारियों को धरातल पर इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया गया। हमारा प्रयास होगा प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की जो ये समस्याएं हैं, हरियाणा कर्मचारी महासंघ का 24 सूत्रीय मांग पत्र है, वो मजबूती के साथ प्रदेश सरकार के सामने रखा जाए। यहाँ ये गौरतलब है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा अपने संगठन की तरफ से, यदि सरकार की तरफ से अब की बार भी औपचारिकताएँ निभाने का प्रयास किया गया तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ ऑलरेडी आंदोलन में चल रहा है और जनता के सहयोग से यदि अब की बार भी केवल खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया तो हम जनतांत्रिक तरीके से लंबे आंदोलन में चले जाएंगे, जिसकी पूर्ण रूप से राज्य की सरकार है।